हे गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग एडिट्स बाय रोहित। तो आज हम करने वाले हैं रेन ड्रॉपिंग वीडियो एडिटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम यहां पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर हम यहां पर नीचे जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करके फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ऑल मीडिया पर जाएंगे और यहाँ से फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। फिर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पर जाकर इसको जूम कर देंगे। उसके बाद हम फिर से फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और वीडियो जितना सेकंड का बनना चाहते हैं उतने सेकंड तक फ़ोटो को ड्रैग कर देंगे। अब हम फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पर जाएंगे और राइट साइड पर जो एरो मार्क है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से की को ऐड कर देंगे। फिर कुछ देर बाद जाएंगे और फिर से की को ऐड कर देंगे। और अब हम पहला किक पर आएंगे और फ़ोटो को थोड़ा साइड कर देंगे। उसके बाद फिर दूसरा किक पर जाएंगे और फ़ोटो को लेफ़्ट साइड कर देंगे। ऐसे एक बार की को लेना है और फ़ोटो को लेफ्ट साइड कर देना है और एक बार राइट साइड करना है। ऐसे हम पूरा फ़ोटो तक कर देंगे। तो ऐसे हम पूरे फ़ोटो पर की पॉइंट ऐड करेंगे और फ़ोटो को लेफ्ट साइड और राइट साइड कर देंगे। उसके बाद हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और ऑडियो पर जाकर एक म्यूज़िक को ऐड कर देंगे। तो म्यूज़िक ऐड हो जाने के बाद जहां पर सॉन्ग का लिरिक्स है उस पार्ट को लेंगे और बाकी पार्ट को हम यहां से कट कर देंगे। तो सॉन्ग मैनेज हो जाने के बाद अब हम फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन पर जाकर सॉन्ग का लिरिक्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिरिक्स को ऐड कर लेने के बाद अब हम ऊपर के साइड पर जो बॉक्स का आइकन है उस पर क्लिक करके टेक्स्ट की कलर को ठीक कर लेंगे और इसको साइड पर क्लिक करके टेक्स्ट की साइज़ को थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। उसके बाद फॉन्ट्स पर जाकर एक फॉन्ट को ऐड कर लेंगे और इस फॉन्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। तो टेक्स्ट को ऐड करने के बाद अब हमें देखना है सॉन्ग का लिरिक्स कितने दूर तक है और उतने दूर तक ही हमें टेक्स्ट को भी कर देना है। उसके बाद हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद अब हम उस इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन, अब हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टार्ट पर एक की लेना है और मिडिल पर एक की लेना है और पहले वाला की पर आना है और यहाँ से इसको 1.6 कर देना है और लास्ट की पर जाकर इसको एकदम 100% कर देना है। तो उसके बाद अब हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर कुछ एडिट करना पड़ेगा, तो स्केल को हम यहाँ पर -60 कर देंगे। तो हम इसे साइड पर स्क्रॉल करके -60 कर देते हैं और उसके बाद अब हम स्ट्रेच को 6 कर देंगे। और अल्फा ऑप्शन को -1.00 कर देंगे। फिर हम और नीचे आएंगे और यहाँ पर इरेज इन को +100 और इरेज आउट को -100 कर देंगे और ओवरलैप को यहाँ पर 500 कर देंगे। तो ये हो गया। अब हमें थोड़ा और स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ये रैंडम ऑर्डर ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो ऐसे ही हम एक लिरिक्स के एनिमेशन को रेडी कर लिया। अब हम इस एनिमेशन को ही कॉपी करेंगे और लिरिक्स पर भी ऐड कर देंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर जो लिरिक्स है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर कॉपी लेयर कर लिया। अब हम यहाँ पर आना है और इसको पेस्ट लेयर कर देना है। तो यहाँ पर पेस्ट लेयर हो गया। अब हमें उस टेक्स्ट पर क्लिक करना है और एडिट टेक्स्ट पर जाकर अब हम लिरिक्स को चेंज कर देंगे। तो ऐसे ही हम कॉपी लेयर और पेस्ट लेयर करेंगे और उसके बाद एडिट टेक्स्ट पर जाकर टेक्स्ट को चेंज कर देंगे लिरिक्स के अनुसार। गाने वाली परी।
तो हमने यहाँ पर कुछ लिरिक्स ऐड कर लिया। अब हम ऊपर की साइड पर जो एरो मार्क है उस पर क्लिक करके वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद अब हमें वीडियो को सेव कर लेना है और उसके बाद अब हमें नॉट वीडियो ऐप को यूज़ करना है रेनड्रॉप इफेक्ट को ऐड करने के लिए। तो ये रहा यहाँ पर नॉट वीडियो ऐप। तो अब हम यहाँ पर नॉट वीडियो ऐप को ओपन कर लेंगे। उसके बाद अब हम प्लस पर न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से रेशो को 9:16 कर देंगे और इसके लेयर को 25% कर देंगे। फिर हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे जो ऑरेंज कलर का है। उसके बाद मीडिया पर जाकर हम वीडियो को ऐड कर देंगे जो वीडियो हम एलाइट मोशन से एडिट किया था। वीडियो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर ऑडियो के नीचे जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एसेट स्टोर पर जाना है और अब हमें एक इफेक्ट को ग्लो इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो यह रहा ग्लो इफेक्ट। अब हम इसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे जो अच्छे से वीडियो के साथ मैच हो। तो हम यहाँ पर वीडियो को प्ले किया ताकि हमें लिरिक्स को दिख जाए और हम रेडियस या ग्लो इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिरिक्स दिख रहा तो हम यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद अब हम इवोल्यूशन को यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। उसके बाद हम रेडियस को यहाँ से लिख के चेंज कर सकते हैं या फिर जो लेयर है उस पर क्लिक करके हम इसको थोड़ा ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो ऐसे हम हर एक ऑप्शन को थोड़ा ज़्यादा या फिर थोड़ा कम कर लेंगे ताकि ग्लो इफेक्ट अच्छे से दिख जाए। तो ये सब इफेक्ट को ठीक कर लेने के बाद अब हमें कलर पर आना है और उसके बाद हम यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और सैचुरेशन को एकदम हाई कर देंगे। उसके बाद हम वीडियो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिरिक्स पर ग्लो इफेक्ट आ गया। अब हम फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके रेनड्रॉप इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो ये रहा प्लस आइकन। अब हम एसेट स्टोर पर जाएंगे और यहाँ से रेनड्रॉप इफेक्ट को ऐड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ब्लर इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे और यहाँ पर आप अच्छे से नोटिस करना यहाँ पर जो लेयर नंबर 2 है वो ऑफ है। अब हम उसको ऑन कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर दिया। अब हम यहाँ पर ऊपर जो रूट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर रेड कलर अच्छे से दिख नहीं रहा तो अब हम फिर से ग्लो इफेक्ट पर जाएंगे और इंटेंसिटी को थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। तो ये सब हो जाने के बाद अब जो वीडियो के पास जो रूट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे जो ग्रीन आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे एडिटिंग सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय।